हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेप टू ग्रो में। स्टेप टू ग्रो में आज हम सिक्स सिग्मा के 7 QC टूल में कंटिन्यू करेंगे विद कंट्रोल चार्ट्स। सो कंट्रोल चार्ट क्या होता है दोस्तों? इसमें कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफ यूज टू स्टडी हाउ अ प्रोसेस चेंज ओवर टाइम। डेटा आर प्लॉटेड इन टाइम ऑर्डर। अ कंट्रोल चार्ट ऑलवेज हैज अ सेंट्रल लाइन फॉर द एवरेज, an upper line for the upper control limit, and the lower line for the lower control limit. These lines are determined from the historical data. इसका मतलब है दोस्तों कि हम control chart जो होता है वो use होता है process की performance gauge करने के लिए एक particular period of time के लिए, जिसमें हम data plot करते हैं. So जब हम control chart बनाते हैं तो उसमें तीन लाइनें होती हैं दोस्तों। बेसिकली एक सेंट्रल लाइन जो कि हमारी एवरेज और सेंट्रल लाइन कहला जाती है, ये एवरेज होता है या फिर मीडियन होता है, ये आपको एज पर डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें दो लाइनें और होती हैं, एक अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये डेटा के अकॉर्डिंग बनती है। एंड जो इसमें आप देखेंगे ये डॉटेड लाइन जो बन रही है, ये लाइन आपकी परफॉर्मेंस है जो कि पीरियड ऑफ टाइम में है, वन मतलब वीक वन से या फिर मंथ वन से लेके मंथ 12 तक, या फिर वीक वन से लेके वीक 10, जो भी आप पीरियड इसमें सेलेक्ट करेंगे उस पीरियड के अकॉर्डिंग आपकी डेटा की परफॉर्मेंस यहाँ पर प्लॉट होती है। तो दोस्तों इन लाइनों का मतलब क्या होता है और क्यों बनती हैं? सो कंट्रोल चार्ट में सेंट्रल लाइन जो होती है दैट इज मीडियन और एवरेज। इसका मतलब है कि अगर आपका डेटा नॉर्मल है, यानी कि अगर आपके डेटा में वेरिएशन बहुत कम है, डेटा पॉइंट बहुत पास पास हैं, तो आप एवरेज लेकर के कंट्रोल चार्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा पॉइंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जिसका मतलब कि अगर आपके डेटा में एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 100, तो अगर आपका ये इस टाइप से वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें मीडियन लेते हैं दोस्तों सेंट्रल लाइन को। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जो होती हैं वो होती हैं प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरी, इसमें एक जो टर्म होती है कंट्रोल चार्ट में वो कहला जाती है आउटलायर और स्पेशल कॉजेस। तो आउटलायर और स्पेशल कॉजेस वो होते हैं दोस्तों, जो भी डेटा पॉइंट आपका कंट्रोल लिमिट के बाहर आता है, अगर एक कोई पर्टिकुलर डेटा पॉइंट आपका, एक या दो डेटा पॉइंट आपके कंट्रोल लिमिट के बाहर जाते हैं, तो उनको हम आउटलायर या स्पेशल कॉज कहते हैं, जिसमें हमें स्टडी करनी पड़ती है कि वो डेटा पॉइंट क्यों बाहर हुआ, किसी स्पेशल रीजन की वजह से हुआ या फिर वो नॉर्मल प्रोसेस था। देखिए दोस्तों, सो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं ये कॉमन कॉज है ड्यू टू नॉर्मल वेरिएशन। प्रोसेस अप एंड डाउन प्रोसेस में चलते रहते हैं, कभी हम अच्छी अगर हम इफिशेंसी पे करें या प्रोडक्टिविटी पे करते हैं, कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, तो नॉर्मली वो प्रोसेस ऐसे फ्लो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल कॉज और आउटलायर जो भी होते हैं वो सेंट्रल लाइन के कंट्रोल लिमिट के जो बाहर जाते हैं उनको हम आउटलायर कहते हैं। सेंट्रल लाइन प्रोसेस एवरेज या मीडियन होती है। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट आपके डेटा पे बनती है। सो दोस्तों, इसको हम कैसे बनाते हैं, एक्सेल में आपको वो सिखाता हूँ मैं इसमें। सो ये मेरे पास बना हुआ है डेटा, मैं इसमें पहले इसको हटा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे हम इसको। देखिए दोस्तों, मेरे पास फेब मंथ का डेटा है, वर्किंग डेज मैंने लिख लिए और उसमें मैंने अपना एरर काउंट लिख लिया। अब मुझे देखना है कि मेरा जो एरर काउंट है या फिर एरर्स जो मेरी आ रही हैं डेली बेसिस पे, वो मेरी प्रोसेस के विद इन कंट्रोल है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तीन लाइनें होती हैं कंट्रोल चार्ट को बनाने के लिए, और चौथा इसमें प्रोसेस की जो नॉर्मल परफॉर्मेंस आपकी होती है वो आपकी ये फोर्थ लाइन होती है, जो कि सेंट्रल लाइन के से अराउंड हमारी बनती है। सो इसको हम कैसे बनाते हैं दोस्तों? डेटा पॉइंट हमारे पास है जो कि ये लाइन है, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये डेटा पॉइंट्स हैं जो कि प्लॉट होंगे टाइम सीरीज पर। टाइम भी हमारे पास है, डेटा हमारे पास है। नाउ हमें सेंट्रल लाइन बनानी है। सेंट्रल लाइन दोस्तों मैंने कहा कि आपको आप एवरेज ले सकते हैं। सो एवरेज का फॉर्मूला सिंपल इक्वल टू एवरेज, और आप इसमें जो डेटा पॉइंट्स आपके प्रोसेस के हैं
उसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो सेंटर लाइन आ गई है। सो इसको आप इसके इक्वल्स इक्वल कर देंगे। सारे डेटा पॉइंट में आपकी सेंटर लाइन यही रहेगी। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए दोस्तों पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला STDV लेकर के आप फिर सेम आपको डेटा पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया है। सो अपर कंट्रोल लिमिट इज सेंटर लाइन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 3। सो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस आपका कंट्रोल अपर कंट्रोल लिमिट होती है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। सेम कंट्रोल लिमिट को मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया। ये मैंने नीचे तक रख लिया। इसके बाद मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा, जिसमें डेट, जो भी आपका पीरियड है, आपका डेटा पॉइंट, सेंटर लाइन, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल, कंप्लीट डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इंसर्ट में जा करके रिकमेंडेड चार्ट्स में ऑल चार्ट्स में जाऊँगा। यहाँ पर मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहला चार्ट मुझे मिल गया, ये वाला, मैंने ओके किया, ये मेरा बन करके रेडी हो गया कंट्रोल चार्ट, जिसमें कि मेरा ये एवरेज है विच इज 15, अपर कंट्रोल लिमिट इज 24.4 एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज 5.85। देखिए दोस्तों, इसमें जो दिख रहा है, सो जब हम इसको स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे डेटा पॉइंट, अगर आपका प्रोसेस जो एवरेज है, जो प्रोसेस एवरेज जो यानी कि सेंट्रल लाइन है, उसके नियर बाय जितने आपके डेटा पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब आपका प्रोसेस उतना ही कंट्रोल में है। अगर आपके डेटा पॉइंट सेंट्रल लाइन से दूर हैं और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट के नियर बाय आते हैं, इसका मतलब आपके प्रोसेस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कभी भी आपका प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जिसके लिए आपको प्रिकॉशन मेजर लेने पड़ेंगे या फिर उसमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि ये क्यों इतना हो रहा है, एंड आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड अगर कोई डेटा पॉइंट मेरा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर आता है या उसको टच करता है, इट मींस कि वो एक आउटलायर है। और वो क्यों हुआ है, उसके लिए आपको कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किसी स्पेशल कॉज की वजह से हुआ है या फिर एक नॉर्मल प्रोसेस था जिस वजह से ये बार बार अकर होगा। तो आपको वो भी स्टडी करना पड़ता है। आई होप कि आपको कंट्रोल चार्ट समझ में आया होगा, कैसे बनाते हैं और इसको कैसे स्टडी करते हैं। आप इसको अपने डेटा पे बना करके देखिए, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आप एंड प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताएं कि आपने किस डेटा पे इसको यूज़ किया है एंड उसमें से क्या आपका रिजल्ट निकल के आया, या फिर आपने उसमें से क्या इन्फ्रेंस उसमें से आपको मिले आपके प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।